वर्ष 2024 में फरवरी में पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा? हिंदू पंचांग के अनुसार प्रदोष काल में पड़ने वाली त्रयोदशी पर प्रदोष व्रत किया जाता है। हर माह में दो त्रयोदशियां होती है, यानी कि कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। इस विशेष तिथि पर भगवान शिव की आराधना की जाती है। धार्मिक पुराणों में प्रदोष व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन भगवान शिव को पूजा के दौरान मदार के फूल, बेलपत्र और धूप आदि अर्पित करने चाहिए और भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। वर्ष 2024 में प्रदोष व्रत 7 फरवरी 2024 को बुधवार के दिन रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी 2024 को दोपहर 2:04 पर होने जा रही है और इस तिथि की समाप्ति 8 फरवरी 2024 को सुबह 11:19 पर होगी। यह व्रत बुधवार के दिन पड़ने जा रहा है, इसलिए इसे बुध प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा। और जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वह 7 फरवरी 2024 की शाम को 6:05 से रात में 8:41 तक रहेगा। तो आप भी इस समय अवधि में प्रदोष व्रत पूजा कर सकते हैं। तो यह प्रदोष व्रत के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।